तो चलिए 25 बड़ी खबरों की शुरुआत करते हैं। गृह मंत्री अमित शाह एडिटेड वीडियो मामले में दिल्ली पुलिस ने तेलंगाना के सीएम को समन भेजा है। दिल्ली पुलिस ने 1 मई को सीएम रेवंत रेड्डी को पूछताछ के लिए बुलाया है। अमित शाह एडिटेड वीडियो केस में पहली गिरफ्तारी, असम पुलिस ने रितोम सिंह नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया। असम सीएम हेमंत बिस्व शर्मा ने जानकारी दी। सीएम के जवाल पर दिल्ली हाईकोर्ट की बड़ी टिप्पणी, कोर्ट ने कहा सीएम लंबे समय तक पहुंच से दूर नहीं रह सकते, जेल में सीएम होने से सरकार ठप नहीं हो सकती। संजय सिंह ने कहा हाईकोर्ट के फैसले का सम्मान है, कोई सीएम रहेगा या नहीं ये विधायक और विधान सभा को तय करना है। अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर कोर्ट में सुनवाई और सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल के वकील से पूछा ईडी समन को नजरअंदाज क्यों किया गया। जेल में केजरीवाल से मिली सुनीता केजरीवाल, आतिशी भी साथ में पहुंची, पहले से ही तय थी ये मुलाकात। कांग्रेस प्रदेश पद अध्यक्ष पद से इस्तीफे पर TV9 से बोले अरविंदर सिंह लवली, मैं इंडिया गठबंधन की बैठक में कभी शामिल नहीं हुआ। अररिया की जनसभा में सीएम नीतीश कुमार ने कहा हमने हिंदू मुस्लिम का झंझट खत्म कर दिया। नीतीश कुमार ने कहा आप लोग अगर हमें खत्म कर देंगे तो आप लोगों का फिर पुराना हाल हो जाएगा। इंदौर से कांग्रेस प्रत्याशी अक्षय ने अपना नामांकन वापस लिया, बीजेपी विधायक रमेश मेदोला के साथ नाम वापस लेने गए अक्षय। अक्षय बम के नाम वापस लेने पर TV9 भारतवर्ष से बोले कांग्रेस नेता मुकेश नायक, कांग्रेस के साथ बड़ा धोखा हुआ है, बीजेपी ने सभी हदें पार कर दी, इंदौर में पार्टी किसी को समर्थन करने पर विचार करेगी। इंडिया गठबंधन पर बोले गृह मंत्री अमित शाह, इंडिया गठबंधन के पास पीएम पद का कोई चेहरा नहीं है, देश में पीएम मोदी के नेतृत्व में एक मजबूत सरकार है। गुजरात के पाटन में बोले राहुल गांधी देश का धन न्याय के साथ बांटेंगे, देश का किसान परेशान है, महंगाई चरम पर है। लखनऊ संसदीय सीट से राजनाथ सिंह ने अपना नामांकन दाखिल किया, सीएम धामी सीएम योगी नामांकन के समय उनके साथ मौजूद थे। स्मृति ईरानी ने आज अमेठी से दाखिल किया नामांकन, नामांकन से पहले अमेठी में स्मृति ईरानी ने रोड शो किया, मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव भी साथ मौजूद रहे। अमेठी में नामांकन के बाद स्मृति ईरानी ने TV9 से कहा अमेठी में राहुल और प्रियंका कोई आ जाए फर्क नहीं पड़ता, स्मृति ईरानी ने कहा अपने काम पर हम वोट मांग रहे हैं। अमेठी में कांग्रेस और बीजेपी कार्यकर्ताओं में झड़प हो गई, स्मृति ईरानी के नामांकन के दौरान कांग्रेस दफ्तर के पास आपस में भिड़ गए कार्यकर्ता। वहीं खबर है कि प्रियंका गांधी ने कहा है कि तीनों गांधी का संसद में होना ठीक नहीं है, अमेठी रायबरेली सीटों को लेकर आज हो सकता है कांग्रेस में फैसला। बिहार के सारण से आरजेडी प्रत्याशी रोहिणी आचार्य ने दाखिल किया नामांकन, पिता लालू यादव भी साथ में मौजूद रहे। बिहार के ही शिवहर लोकसभा से एनडीए प्रत्याशी लवली आनंद का नामांकन, जेडीयू ने आनंद मोहन की पत्नी को चुनाव में उतारा है। मैनपुरी लोकसभा सीट पर चुनाव प्रचार कर रही हैं अखिलेश और डिंपल यादव की बेटी आदिति यादव, मैनपुरी से डिंपल यादव हैं समाजवादी पार्टी प्रत्याशी। सुप्रीम कोर्ट में हेमंत सोरेन की याचिका पर सुनवाई, सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से मांगा जवाब, 6 मई को होगी अगली सुनवाई। ओडिशा के पुरी से बीजेपी प्रत्याशी संबित पात्रा ने नामांकन से पहले किया रोड शो, बुजुर्ग महिला के साथ नाचते दिखे संबित पात्रा। जम्मू कश्मीर के रामबन में 100 घरों में आई दरार, पहले 50 घरों में दरार की खबर थी, करीब 1 किलोमीटर तक सड़कें तबाह हुई। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में भारत बांग्लादेश बॉर्डर से 2.2 करोड़ की हेरोइन जब्त, सर्चिंग के दौरान बीएसएफ ने हेरोइन पकड़ी।